हाय एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो काफी दिन हो गए थे और हमने कुछ भी बात नहीं की थी। इतने दिनों से हमारे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबसे बात किया जाए। तो आप सब तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन काफी दिनों से कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है जुडिशरी के रिगार्डिंग। हाल ही में UPAPO कंडक्ट हुआ है, बट दैट इज फॉर अ लेस सीट। सो सारे नहीं गए थे जिनको जुडिशरी में इंटरेस्टेड है, तो कुछ लोग जिनको एपीओ में भी इंटरेस्ट है वो बैठे थे उस एग्जामिनेशन में। काफी लोगों से मेरी बात भी हुई है, काफी लोगों का अच्छा हुआ है। नाउ जो मैं बात करने वाली हूँ आज के वीडियो में वो ये है कि जैसे अभी के टाइम में नहीं आई है नोटिफिकेशन, तो हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, हमें अपने आप को मोटिवेट किस तरह से रखना चाहिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ढीला ना करें और बहुत ही अच्छी गति से हम अपनी प्रिपरेशन करें ताकि जब भी एग्जामिनेशन आए उसको हम क्रैक करें और बिल्कुल भी उसमें कोई कसर ना रहे कि हमारा एग्जाम क्लियर होने वाला है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून। तो क्या हुआ, अभी काफी दिनों से कोई न्यू वैकेंसी नहीं आई है जुडिशरी की। हमारी एग्जाम्स हुई थी, एमपी की हुई थी, एमपी का प्री हुआ था, दिल्ली का प्री हुआ था, उसके रिजल्ट्स आ गए, मेंस का एग्जामिनेशन हो गया, सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई भी न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आई है। मीनवाइल छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन आई थी कि कुछ सीट्स हैं जो कि वो लेकर आने वाले हैं, बट उसकी भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं आई है उसके रिगार्डिंग भी। तो फिर अभी हम क्या करें, झारखंड की भी थी, इसके साथ ही हम भूल गई थी, झारखंड भी थी, झारखंड की भी नोटिफिकेशन ये आ चुकी है कि इतने सीट्स हैं हमारे जुडिशरी के लिए, लोअर जुडिशरी के लिए, लेकिन अभी भी उसकी भी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है। सो उसके रिगार्डिंग भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम कब तक होगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड ने अपनी तो बता दी है कि इतने सीट्स हैं, बाकी यूपी भी 2018 के बाद नहीं आया है, यूपी आने वाला है। बिहार जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, बिहार अभी क्लियर हुआ है, अभी उसके फाइनल रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा, उसकी भी न्यू वैकेंसी आएगी, हरियाणा की भी आने वाली है, तो सारी चीजें फिर से होंगी। एमपी का फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, आप जानते हैं एमपी हर हर साल अपना नोटिफिकेशन निकाल देता है, पेंडेमिक के कारण एक साल थोड़ा डिले हुआ था लेकिन बाकी वो हमेशा रेगुलर है और निकालता ही रहता है। उसने मेक श्योर किया था कि पेंडेमिक के टाइम में भी वो ले, तो ऑलमोस्ट उसने ले ही लिया है, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है एमपी का कि हर साल आता है, तो इस साल भी आ ही जाएगा एमपी का। और भी सारे स्टेट्स हैं जो लाइंड अप हैं, आएंगे क्योंकि काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, तो बिल्कुल आने वाली है क्योंकि सीट्स तो आप देख सकते हैं, सीट्स तो काफी खाली है। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आया था कि किस स्टेट में कितनी सारी सीट्स पेंडिंग है, कितनी सारी वैकेंसी खाली है और जो है रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें तो होने ही वाली है। प्लस एक और गुड न्यूज जो आया है आप लोगों के लिए कि पे इंक्रीज होने वाला है सारे लोअर जुडिशरी जजेस के लिए और भी हायर जुडिशरी के लिए, सारों का पे इंक्रीज होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे थे, अभी चेंज हो गए हैं, एनवी रमना, उन्होंने बोला था कि पे इंक्रीज होना चाहिए और मार्च तक वो पे इंक्रीज करने के लिए बिग स्टेप लेंगे कि हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज एंड मोटिवेटेड न्यूज कि आप जाके जुडिशरी में जाएं और अपना जो है वहां पे परचम लहराएं। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज फॉर यू। तो बिल्कुल भी कोई रीजन ही नहीं बनता है कि आप अपनी पढ़ाई को जो है थोड़ा सा कम कर दे, स्लो डाउन कर दे, या आप किसी अदर डायरेक्शन में सोचे, बिल्कुल भी। अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको जज ही बनना है, तो बस आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, आपको बस पढ़ाई करनी है और ऐसी पढ़ाई करनी है जैसे एक महीने में एग्जाम रहता है, आप जैसे पढ़ाई करते हो वैसे ही पढ़ाई करनी है, तब जाके आपका क्लियर होगा। क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो है वो लगातार पढ़ रहे हैं, अगर आपने अपनी पढ़ाई में कोताही की तो उसका नतीजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि पास करना है वहां जाके, यहां आपको कम्पीट करना है अपने अदर कैंडिडेट से जो कि ऑलरेडी पढ़ है। अगर आपने उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं की, या आपने सोचा कि हम नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर पढ़ेंगे, तो फिर गाइज यू आर डूइंग इट रॉन्ग।
और इसका नतीजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। इसीलिए मैं अभी आके ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये वक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइम में बहुत कैंडिडेट डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती थी कि एक बार आप सबसे मिलूँ और ये सारी बातें करूँ कि कैसे करना है, कैसी पढ़ाई करनी है, और बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगी। Q&A मैं एक लेकर आऊंगी जिसमें सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिए। तो आपके प्रिपरेशन में मैं हूं आपके साथ। बस आपका एक ही काम है कि लगे रहना है, पढ़ाई करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करेंगे। जब नोटिफिकेशन आता है तब पढ़ाई नहीं होती है, उस वक्त रिवीजन का टाइम होता है। अभी आप जो है मीन्स पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि मीन्स में कैसे हमें क्वेश्चन राइटिंग करना है, कैसे लिखना है। क्वेश्चन राइटिंग करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर लिखिए और डिफरेंट टॉपिक देखिए। बहुत सारी बुक आती है, सिंगल की बुक है जिसमें कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे स्टेट का। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्टेट का जिसमें आपका फोकस है उसको ही बनाना है, बल्कि आपको सारे स्टेट का जो भी क्वेश्चन आता है वो सारे स्टेट का आप कवर कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आते हैं, वो सारे आप लीक कर देखिए। लीक कर देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की है। आप क्वेश्चन चेक भी करा सकते हैं, अपने कोई फ्रेंड को दे सकते हैं, वो आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपको ऐसा लिखना चाहिए। कोई टीचर, अगर आप कहीं पे पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या, तो आप अपने टीचर से चेक करा सकते हैं। बट दिस इज अ मस्ट, ये आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा। और अगर आप अभी से करते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्री के बाद सब करते हैं। तो अगर आपने पहले कर लिया है तो आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी होगी। एक सिनॉप्सिस बना लीजिएगा जिसको आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। इस वक्त ही पढ़ाई की जाती है, ठीक है? तो इस वक्त जो है मीन्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है जिस स्टेट का, जिसमें भी आपका फोकस है, या आपको, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आपको अदर स्टेट का भी देना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करती है। कुछ सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, एडिशनल होते हैं, कुछ सब्स्ट्रैक्शन होते हैं, उससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें करनी है, हमें सारे देनी है, जहां हम बन जाए जज बड़ी बात है। और क्या है, और क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं। तो बस जहां पे भी आएगा हमें देना है। तो उसके लिए हम मेंस की प्रिपरेशन अभी करते रहेंगे। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हम प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे, MCQs ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीजें आपको अभी नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको कब करनी है? जब एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, डेट आ जाती है एग्जामिनेशन की, ये उस ड्यूरेशन में आपको जो है आपके प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट रिवाइज करना है, बेयर एक्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्री की प्रिपरेशन छूट जाती है। आपकी प्री की प्रिपरेशन भी साथ चलती है। और क्या होता है, आपको डीपली प्रिपरेशन होता है, आप एक एक टॉपिक में अच्छे से पढ़ते हैं, तो उस वो प्री में भी आपको मदद करती है। ऐसा नहीं है कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्री का कुछ प्रिपरेशन नहीं है। प्री का प्रिपरेशन आपका साथ में चलता रहता है। बस क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो आपको तब करने हैं जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, क्वेश्चन एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा। उस बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ताकि जो है आप अपना अच्छा दे सके, अपना बहुत ज्यादा इनपुट दे सके और एक बार में अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर सके, अबव देन कट ऑफ। आप इतना मत सोचिए कि हमको कट ऑफ क्लियर करना है। अगर कट ऑफ क्लियर करने का सोचेंगे तो उस जगह पे आके रुके रहेंगे जहां पे आपको डाउट रहेगा कि आपकी कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं, और उस जगह पे मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको डर लगा रहेगा कि क्या मैं क्लियर कर रहा हूं या नहीं, या मैं क्लियर कर रही हूं या नहीं कट ऑफ, कि मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं। ये डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अगर आपको एग्जामिनेशन के बाद ही माइंड में क्लियर होगा ना कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं कि मेरा कट ऑफ तो क्लियर होना ही है, नो डाउट, तो आपकी प्रिपरेशन उस डे से मेंस की प्रिपरेशन अलग लेवल की चढ़ेगी उस कैंडिडेट के मुताबिक जिसको डाउट है कि उसका क्लियर होने वाला है कि नहीं। हमारे जो साइकोलॉजिकल जो चलता है ना हमारे अंदर, वो बहुत इफेक्ट डालता है हमारे प्रिपरेशन में। इसलिए इसको ओवरकम करिए, ऐसी प्रिपरेशन करिए कि आपका डाउट ही ना रहे सिलेक्शन में, ठीक है? तो इतनी सारी बातें थी जो मुझे आपसे आज करनी थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया था नोटिफिकेशन नहीं आया है किसी भी स्टेट का, तो बच्चे काफी डिप्रेस हो रहे हैं, थोड़ा उनको आ रही है दिक्कत कि हम पढ़े या ना पढ़े, काफी टाइम हो गया हमारे पास आउट होने में।
क्या करें, हमें कुछ अल्टरनेटिव सोचना है या नहीं। अगर आपको अल्टरनेटिव देखना है, अगर आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया है तो गो फॉर इट, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपका माइंड क्लियर है कि मुझे तो जज ही बनना है, तो आपके पास जब सेकेंड चॉइस है ही नहीं तो क्यों अपनी प्रिपरेशन स्लो करनी है? कोई पॉइंट बन रहा है क्या प्रिपरेशन स्लो करने के लिए? नहीं ना। तो हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल स्लो नहीं होगी। हम आज से अपना रूटीन बनाएंगे और उस रूटीन को फॉलो करेंगे नो मैटर वॉट। हम अपना जो है टारगेट बनाएंगे डे वाइज, वीकली और मंथली, और उसको हम फुलफिल करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी एक दिन कम हुआ तो दूसरे दिन उसको मेकअप करेंगे। बस ये हमें मान के चलना है, हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये याद रखिएगा। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग सारे जो है, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रूटीन बताइए, और आप लोगों में से कितने अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आ रही हैं, जो आपको लगता है कि मुझे डाउट हो रहा है क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्वेश्चन पूछना है, वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं अगले वीडियो में जल्द ही लेकर आऊंगी वो सारे क्वेश्चन का आंसर, जो भी आपकी क्वेरी है। सो डोंट वरी, आई एम विद यू, आई एम विद यू विद योर प्रिपरेशन इन योर होल जर्नी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे, बाय।